नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीएसटी के एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के बारे में, यानी कि जो कि सीजीएसटी एक्ट 2017 में दिया गया है एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे कि उस डेफिनेशन में क्या बातें लिखी हैं और उनका क्या मतलब है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे जो भी हम अपने चैनल पे इस टैक्सेशन गुरुजी पे डाल रहे हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, और ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोस लगातार आपके लिए बनाता जाऊं और इसी तरह से मैं मेहनत करता जाऊं आपके लिए और वीडियोस को बनाने में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देख सकेंगे, जिससे कि आपको जब मेरे वीडियोस आएंगे तो मिल सकेंगे। और दोस्तों उसके बाद जो घंटी का बटन आएगा उसको भी बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीजीएसटी एक्ट 2017 में एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है यहाँ पे बियर एक्ट के थ्रू। और दोस्तों इसके पहले मैंने आपको जो भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 में और जितने डेफिनेशन बताए हैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो भी देख लिया होगा। तो दोस्तों ये है जीएसटी के सीजीएसटी एक्ट 2017 में दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बताया गया एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, और जो कि दोस्तों ये डेफिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका मालूम होना कि इस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, ये मालूम होना पूरे जीएसटी का आधार तय करता है एक तरीके से। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि जीएसटी किन पे लगता है, जब हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी के लिए जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम जो पसंद ले रहा है तो उसके लिए जो लिमिट है 75 लाख 1 करोड़ जो भी लिमिट है, या कोई नॉर्मल टैक्स पेयर बनना चाहता है जो कि 20 लाख की लिमिट है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में और 10 लाख की लिमिट है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो उसके जो वो लिमिट है 20 लाख 10 लाख 75 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी लिमिट है उसको देखा कैसे जाएगा, यानी कि उस लिमिट में क्या क्या बातें इंक्लूड होंगी, उस लिमिट में हम किन किन सेल्स को इंक्लूड करेंगे या परचेजेस को भी इंक्लूड करेंगे, या किन किन अमाउंट को ऐड करके ये लिमिट निकलेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। इसके लिए ये एग्रीगेट टर्नओवर का मालूम होना हमें बहुत ही जरूरी है, और ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि हम टैक्स कितने अमाउंट के बाद लगाएंगे, यानी कि किसी पर्सन का जो भी टैक्सेबल लिमिट है 10 लाख 20 लाख, हमें पता ही नहीं है कि ये 10 लाख को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो हम किसी के बताएंगे कैसे कि हमें हमारे ऊपर जीएसटी लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर मैं कोई ट्रेडर हूं, मुझे पता करना है कि मेरा ये 10 लाख की लिमिट है या 20 लाख की लिमिट है या 75 लाख की लिमिट है, तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरी किन किन अमाउंट्स को जोड़ के ये देखा जा रहा है कि मैं 20 लाख के बाहर चला गया तो अब मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, या मैं 20 लाख के अंदर हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, तो मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा कैसे, वो ट्रेडर रजिस्ट्रेशन कराएगा कैसे। तो उन्हीं सब चीजों को देखने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 6 के सीजीएसटी एक्ट 2017 में लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, एग्जेम्प्ट सप्लाईज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स यूनियन टेरिटरी टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो दोस्तों इस सेक्शन को हम लोग अभी एनालाइज करने से फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या बातें आएंगी, यानी क्या क्या अमाउंट इंक्लूड होंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या अमाउंट इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि जो अमाउंट्स इस एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होने वाले हैं पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। तो यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर में सबसे पहले जैसा कि लिखा है ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाई अ पर्सन ऑन अ रिवर्स चार्ज। सपोज मैं कोई ट्रेडर हूं और मैं अपने लिए लिमिट चेक कर रहा हूं कि मेरे लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या है, तो मैंने अगर कोई परचेजेस की है जिसके ऊपर की मुझे रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो दोस्तों आप अगर ऐसे नॉर्मल सेंस में समझ सकते हैं कि मुझे जो जिन भी सप्लाईज के ऊपर टैक्स पे करना है, अब आपकी वो आउटवर्ड सप्लाई हो या इनवर्ड सप्लाई हो उसको सप्लाई ही बोला जाएगा, तो अगर मुझे जिन भी सप्लाईज के ऊपर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, यानी कि जीएसटी पे करना है, तो मैं उन सभी को अपनी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं कर लूंगा क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी मैंने पे किया था।
तो दोस्तों अगर मैंने कोई परचेजेस की जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स पे करना है, ना कि मैंने टैक्स उस सप्लायर को दिया जिससे कि मैंने खरीदा था, तो वो रिवर्स चार्ज में जो आ रही है, जो सप्लाई जिसको कि मैंने बाई किया, उसके ऊपर उस इनवर्स सप्लाई को मुझे अपने एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ऐड नहीं करना है। वो इनवर्स सप्लाई जिसके ऊपर मैंने रिवर्स चार्ज में टैक्सेस पे किए हैं, जिसको मैंने किसी और से परचेज किया था और उसके ऊपर के टैक्स मैंने पे किए गवर्नमेंट को, ना कि उस सप्लायर को पे करने के बदले मैंने गवर्नमेंट को पे किए, तो वो इनवर्स सप्लाई जो है जो कि रिवर्स चार्ज में आ रही है, उनके ऊपर जो भी टैक्स पे किया जा रहा है और वो जो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी, पहला तो ये। और दूसरी बात, किसी भी तरह के सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जो भी सेस है, यानी कॉम्पनसेशन सेस जैसे है जीएसटी का, इस तरह का कोई भी अमाउंट आपके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर में एक तरीके से सेल्स लेस टैक्स होंगे, जो वही ऐड होंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। अब दोस्तों अगला पॉइंट कि एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा किसी भी पर्सन का ऑल इंडिया वाइज, पैन नंबर वाइज, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर एक पर्सन के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग शॉप्स हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन के अलग अलग स्टेट में 3-4 शॉप हैं, तो उस पर्सन का जो एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा उसका, उस पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, ना कि उस सारी शॉप का अलग अलग टर्नओवर देखा जाएगा। तो दोस्तों उसकी जो शॉप होंगी, जो मान लेते हैं 4 शॉप हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं उस पर्सन के लिए, तो उसके एक ही पैन नंबर पे वो सारी शॉप रजिस्टर्ड हैं, इसलिए हम लोग उस पैन नंबर का देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, ना कि उन सारी शॉप का देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। और ये एग्रीगेट टर्नओवर दोस्तों इंडिया बेसिस पे देखा जाएगा, यानी कि पूरे जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जो भी, सबको मिला के एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। जैसा कि यहाँ लिखा है दोस्तों, अगर आप क्लियरली देखें कि हैविंग द सेम पैन नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस पे उसका टर्नओवर देखा जाएगा। अब हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। अब बोला है कि अब एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग सभी टैक्सेबल सप्लाईज को इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन रिवर्स चार्ज को हटा देंगे, जो रिवर्स चार्ज वाली इनवर्ट सप्लाईज उसको हटा देंगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को भी ले लेंगे और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है उनको भी ले लेंगे और इंटर स्टेट सप्लाईज हैं तो उसको भी ले लेंगे। और दोस्तों इस एग्रीगेट टर्नओवर में अगर कोई पर्सन है जिसकी कि एक ही स्टेट में 2 शॉप हैं और वो आपस में उनके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको भी हम लोग सप्लाईज में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन को कंप्लीट करती है और वो सप्लाईज बन जाती है, तो वो भी आ जाएंगी एग्रीगेट टर्नओवर में। और एक ही पर्सन की 2 स्टेट में है शॉप तो भी वो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए कंप्लाई करेंगी और वो एग्रीगेट टर्नओवर में गिनी जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल टैक्सेबल सप्लाईज आएंगी, ऑल एग्जेम्प्टेड सप्लाई आएंगी और ऑल एक्सपोर्ट सप्लाई आएंगी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सप्लाईज जो होती है वो 3 तरह की होती है बेसिकली। एक टैक्सेबल सप्लाई होती है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और एक फुल्ली एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो जो टैक्सेबल सप्लाई होती है दोस्तों वो तो नॉर्मल है, जो सप्लाई की डेफिनेशन को कंप्लाई कर रही हो वो टैक्सेबल सप्लाई। और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, यहाँ पे हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी 3 तरह से बात कर सकते हैं कि एक निल रेटेड सप्लाई होती है, यानी कि जिनके ऊपर जीएसटी का निल रेट होता है, उनके ऊपर जीएसटी रेट जो होता है वो निल होता है, 0 होता है, उनके ऊपर टैक्स होता ही नहीं है। और फिर उसी में एग्जेम्प्टेड सप्लाई में दूसरे तरह की सप्लाई होती है जो कि होली एग्जेम्प्ट होती है सप्लाई से, यानी कि होली एग्जेम्प्ट होती है जीएसटी से, जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, वो ऐसी सप्लाई है जिनके टैक्स के परव्यू से ही बाहर रखा गया है, यानी कि उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। और अगली होती है दोस्तों जिनके ऊपर टैक्स तो लगता है लेकिन अंडर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है, वो होती है ऐसी सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सप्लाईज 3 तरह की, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और 0 रेटेड सप्लाई, यानी कि जो एक्सपोर्ट सप्लाई होती है। तो एक्सपोर्ट जो सप्लाई होती है दोस्तों उस पर टैक्स लगता तो है लेकिन वो वापस से रिफंड हो जाता है, या तो उसके ऊपर जिस भी तरीके से उनको वापस दे दिया जाता है, तो उसको हम लोग 0 रेटेड सप्लाई बोलते हैं, क्योंकि उसको 0 रेट की पड़ रही होती है, उसकी जो अपनी कॉस्टिंग पड़ रही होती है वो 0 रेट की पड़ रही होती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता है जीएसटी का। लेकिन जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसमें एक तो निल रेटेड सप्लाई, जिनके ऊपर 0% ऑफ टैक्स पहले से ही एक्ट में दिया गया हो, या तो वो सप्लाई जिनके ऊपर की जीएसटी लग ही ना रहा हो, और या तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो कि जीएसटी में आ ही ना रही हो। दोस्तों मैं आपको होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई में अंतर बताता हूँ। होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई जीएसटी में आ तो रही होती है लेकिन उनके ऊपर जीएसटी लगाया नहीं है गवर्नमेंट ने,
और नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो होती है जिनकी जो कि जीएसटी में आ ही नहीं रही, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो एक्ट से ही बाहर है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि आप जीएसटी इसके ऊपर लग ही नहीं सकता। दोस्तों ये थी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। और एग्रीगेट टर्नओवर में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाईज हो रही है बिटवीन द सेम पैन नंबर इंटर स्टेट, यानी कि आपकी एक स्टेट दो स्टेट्स में काम करते हैं और दोनों अलग अलग स्टेट्स में आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। और कोई एजेंट है जो कि अपने प्रिंसिपल्स को सप्लाई कर रहा है और उसके कई प्रिंसिपल्स हैं, वो मतलब कि वो कई सारी एजेंसियां ले रखा है, तो वो जितनी भी सारे प्रिंसिपल्स को सप्लाई कर रहा होगा तो उन सारे के टर्नओवर को इंक्लूड किया जाएगा उसके लिए, उसकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए। लेकिन कोई जॉब वर्कर है जो कि किसी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, जॉब वर्कर है जो, तो वो जब सप्लाई लेता है, यानी कि जॉब वर्कर जब गुड्स लेता है और जब वो गुड्स रिटर्न करता है, तो उसको सप्लाई में नहीं लिया जाता, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन को ही नहीं कंप्लाई कर रही होती। अंडर सेक्शन 7 जो सप्लाई की डेफिनेशन है उसको ही नहीं कंप्लाई कर रही होती, वो सप्लाई ही नहीं बन पाती, तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों ये था एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जो कि हम लोगों ने यहाँ बात की, जो कि मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है यहाँ पे और एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोगों ने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को देखा, एग्रीगेट टर्नओवर के मीन को देखा और एग्रीगेट टर्नओवर को एनालाइज किया जो कि एक्ट में दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा जो इसमें मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है और एग्रीगेट टर्नओवर क्यों जरूरी है जीएसटी में मालूम करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यहां तक, यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।